तो बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। योजना आयोग क्या बनाता है? योजना आयोग बनाता है पंचवर्षीय योजनाएं। अब बनाता था भाई, लेकिन अब अपने पाठ्यक्रम में है तो नीति आयोग ने क्या बनाता था? पंचवर्षीय योजनाएं। अब तक कितनी आई, क्या हुई, उस पर बात करते हैं। इसको आप अभी हम बोर्ड में परीक्षा की दृष्टि से उतनी ही चीजें इसमें करते हैं जितने अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम लिखते हैं नंबर एक, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, उसके बाद दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह होते हुए, ये ध्यान दीजिए, एक से बारह। यानी प्रश्न बन गया अपने आप में, अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई? तो कुल बारह, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं। तो भारत में अब तक योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते हुए कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो भारत में लागू रही। इन पर अपने बात कर रहे हैं। और ये पंचवर्षीय योजनाएं, अब पहली पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें बेटा, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? ये शुरू हुई 1951 से। एक चीज प्रश्न और भी, पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू हुई? उसका उत्तर होगा बेटा 1951 से, 1951 में। और भारत में सारा जो काम है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, वित्तीय वर्ष के अनुसार, जिसको बोलते हैं हम 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी इस साल की 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक को भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और उसी की हिसाब से सारी है वो आय और व्यय की गणना होती है। तो अब अगर मैं कहूं भी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो इसका मतलब ये हो गया भी 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1951 से। अब इसको 5 साल बनाने हैं। देखिएगा बेटा, 51 51 से अगले साल का मार्च 52, फिर इसके 1 अप्रैल से 53 53 से 54 54 से 55। ये बड़ा कंफ्यूजन, कई बार बच्चे ऐसे गिनते 51, जैसे अभी मैंने गिन के बताया 51 52 53 54 55, 5 साल हो गए। नहीं, 51 से 52 1 साल, गौर कीजिएगा, 51 से 52 1 साल, 53 54 55 और 56। तो यानी पहली पंचवर्षीय योजना हुई 1951 से लेकर 1956 तक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या है, 1951 से 1956 तक का है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन भी हो जाता है भी, भूल ही गए भी, बिल्कुल ही भूल गए भी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई। तो उसका एक तरीका बता देता हूँ स्टार्ट करने का, तो मैं आपको बेटा, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पंचवर्षीय योजना 5 लिखो आप, और क्या पूछा आपसे भी पहली कब हुई, तो 5 के आगे 1 लगा दो। तो हम पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, पहली, तो क्या बन गया 51। इतना तो ध्यान ही रह जाएगा, अभी 1900 के बाद की बात चल रही है, तो 1951 बड़ा इजीली याद हो गया ना भी, 5 पंचवर्षीय पहली। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, 51 51 से 52 1 साल, फिर 52 से 53 2 साल, 53 से 54 3 साल, 54 से 55 4 साल, और 55 से 56 5 साल। तो पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम हुआ 1951 से 1956 तक का। इस तरीके से 56 से आगे दूसरी, 56 से आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे हम मेन मेन ही कर रहे हैं अभी, फिर किसी और वीडियो में आपको पूरी जानकारी भी दूंगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से आप निकालते चलो 5 5 साल करके, हो सकता है निकाल भी लो आप, और उसके बाद आपसे पूछ ले भी 12वीं, तो इसको भी याद रखना बहुत ईजी है बेटा। इतना ध्यान रखिएगा 12वीं 12 से स्टार्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से, 12वीं 12 से। तो 2012 से 13 14 15 16 और 17 तक 5 साल हो गए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या हुई, 2012 से 2017 तक। पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना पहली 1951 से 56, 12वीं का 2012 से 2017 तक की बातें हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर था, वो था बेटा कृषि व सिंचाई।
क्योंकि देश में उत्पादन बढ़ाना ज्यादा जरूरी था, कृषि व सिंचाई। तो ये भी अपने आप में प्यारा प्रश्न बनता है भी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में किसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई, तो कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। इस योजना को बनाने में, इस मॉडल को देने में किनका बड़ा रोल है, तो उनके आधार पर यह भी अपने आप में प्रश्न बन जाता है भी पहली पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है। तो ये आधारित है हेरोड डोमर मॉडल पर, मॉडल पर आधारित HD हेरोड, डी से डोमर, HD मॉडल, HD क्वालिटी समझते हो आजकल। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 किस पर ज्यादा जोर था, कृषि और सिंचाई पर था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है ये योजना, ये बहुत ध्यान दीजिए, ये इतनी बात आप जरूर याद रखें, 1951 से 56 कृषि और सिंचाई हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का इसका टाइम पीरियड है। इसमें आपको, क्योंकि अब इसके बाद क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, इसका बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम के बाद उसका उद्देश्य। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी व टिकाऊ विकास, टिकाऊ यानी स्थिर, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तीव्र यानी तेज, तेज यानी फास्ट, अधिक समावेशी, समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलना, तेज अधिक समावेशी और टिकाऊ, टिकाऊ यानी स्थिर, जो विकास हो उसमें स्थिरता भी, यूं नहीं हो भी थोड़े से टाइम बाद में बिखर जाए। तो तेज अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास है, वो था अपना 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य। तो पहली और 12वीं में, पहली 51 से 56, 12 से 17। इसके बाद बेटा एक चीज आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह भी काफी महत्वपूर्ण रहती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग तो यहीं से निकाल लोगे आप, 56 से 57, फिर 58, 59, 60, 61, यानी 1956 से लेकर 1961 तक, 1956 से लेकर 1961 तक, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी वो थी उद्योगों पर, भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने हैं। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी PC महालनोबिस मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ये कृषि और सिंचाई पर, दूसरी उद्योग पर, ये हेरोड डोमर यानी HD मॉडल पर आधारित थी, ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एक चीज अपने एक यूनिट में उद्योग वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम ही भारत में 3 लोह इस्पात उद्योग स्थापित हुए थे, ये अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में लोह इस्पात उद्योग है उनकी स्थापना हुई थी। तो 3 लोह इस्पात उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। तो उसमें आप अपना, क्योंकि उद्योग वाले चैप्टर में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो 3 कौन कौन से है बेटा, इसमें है एक तो राउरकेला कहाँ है, किस राज्य में है, ओडिशा में, ये लोकेशन भी आपको मैप में प्रैक्टिस करनी है, राउरकेला ओडिशा में। दूसरा है भिलाई, भिलाई कहाँ है अपना, छत्तीसगढ़ में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। और तीसरा है दुर्गापुर,
दुर्गापुर, ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है याद रखने के लिए, आर बी और डी। हमारे टाइम में ये पास वो आती थी, रमेश बुक डिपो, ठीक है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, आर यानी राउरकेला, बी यानी भिलाई, डी यानी दुर्गापुरा। तो राउरकेला किस राज्य में है? उड़ीसा में, भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुरा है वो पश्चिम बंगाल में। तो इन तीन भारी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? दूसरी में, आर बी डी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा की स्थापना हुई। इसी तरीके से अब पहली दूसरी उधर बारहवीं है, तो एक हम ग्यारहवीं का अगर आप याद रख सके तो बस इसका उल्टा चलना है। हम पहले आगे 12 से 11, 10, 9, 8, 7, इसका मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है वो 2007 से 2012 तक का हुआ। तो अभी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखें या सामान्य कंपटीशन में, तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए भी पंचवर्षीय योजनाएं। पहली का टाइम 51 से 56, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी है, रॉड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी 1956 से 1961, उद्योग को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, ये पीसी महालनोबिस इस मॉडल पर आधारित है। इसी टाइम में तीन लौह इस्पात उद्योग स्टील उद्योगों की स्थापना हुई थी, जिनके नाम है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास, यानी तेज, अधिक समावेशी और स्थिर विकास का उद्देश्य रखा गया था 2012-17, अर्थात अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद हमारे देश में 1 जनवरी 2015 से ही, हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना ने अपना कार्यकाल पूरा किया था 17 का, लेकिन स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने। अब नीति आयोग है वो देश के लिए नई प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से अपना कार्य चलता है। तो ओके, अगले इसी चैप्टर में अगले, तो भारत में नियोजन टॉपिक को बेटा अपने आगे बढ़ते हैं और अब अपना है आगे टॉपिक प्रादेशिक नियोजन। पहले हम नियोजन की बात कर रहे थे, अब प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं। बस उसी परिभाषा में एक शब्द लगाना है, राज्य के या प्रदेश के। तो राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग कर विकास की योजना बनाना। जब सिर्फ नियोजन पूछे तो ये शब्द नहीं लिखो, और प्रादेशिक नियोजन पूछता है तो राज्य के शब्द लगाना है या प्रदेश की बात करनी है। तो राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग कर विकास की योजना बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। प्रदेश की अलग अलग योजनाएं बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें क्षेत्र विशेष के हिसाब से योजनाएं बनानी पड़ती हैं। और एक प्रश्न और है इसके अंतर्गत, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ भी, भारत में योजना आयोग ने पिछड़ेपन के कितने कारण बताए। भारत में योजना आयोग के बारे में अपनों ने पहले पढ़ा भी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, योजना आयोग ने पिछड़ेपन के कितने कारण बताए हैं? तीन कारण बताए हैं। तो आपसे तीन कारण पूछ सकता है या वो तीन कारणों के नाम पूछ सकता है। तो एक तो है उस क्षेत्र की उपेक्षा यानी ऐतिहासिक उपेक्षा, दूसरा है भौतिक असुविधाएं, दूसरा यहां पर क्या है, भौतिक असुविधाएं। भौतिक असुविधाओं के मतलब वहां की जलवायु, मृदा, धरातल है उसमें विविधता की बात है। और तीसरा है सामाजिक पिछड़ापन, तो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो भारत में योजना आयोग ने पिछड़ेपन के तीन कारण बताए हैं, ऐतिहासिक उपेक्षा, भौतिक असुविधाएं और सामाजिक पिछड़ापन। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बेटा, वो है मरु विकास कार्यक्रम। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां पर, मरु विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए या मरु विकास कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए या मरु विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ, इसको शुरू करने के उद्देश्य क्या थे, ऐसी ही बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं मरु, नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थल की बातें हो रही है। तो मरु विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ, ये अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न है। आज भी भारत के बहुत से कॉम्पिटिशनों में इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में, 1977-78 में, तो 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, नाम से स्पष्ट हो रहा है मरु यानी मरुस्थल,
तो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, मरुस्थल के रेगिस्तान के प्रसार यानी फैलाव को रोकने के लिए मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था, जिसे 1995 में बाद में जल संभर विकास कार्यक्रम में इसको शामिल कर दिया गया था। तो 1995 में इसे जल संभर कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया था। और मरु विकास कार्यक्रम देश के 7 राज्यों में स्टार्ट किया गया था, देश के 7 राज्यों के अंतर्गत शुरू किया गया था। 7 राज्य कौन कौन से हैं? 7 राज्यों की बात करें तो अपने पड़ोस से स्टार्ट कर लेते हैं, गुजरात। 7 राज्य अगर आपके याद रहे, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, गुजरात भी, अगर ये इंडिया का मैप है तो यहां से स्टार्ट करें, गुजरात, ठीक है, नक्शे के हिसाब से गुजरात। उसके बाद अपना राजस्थान, ऊपर चले तो हरियाणा, हरियाणा के बाद अपना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में जम्मू एंड कश्मीर, अभी हम वही नाम लिखेंगे जो पहले उस टाइम इसमें शामिल था, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 5 हो गए, टोटल 7 राज्य थे। उसके बाद छठा आता है बेटा कर्नाटक, और सातवां आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यानी मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए देश के 7 राज्यों, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत शुरू किया गया था। और राजस्थान की बात करें तो इसमें अगर आपके याद रह जाए तो राजस्थान के कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो राजस्थान के 16 यानी 16 जिलों में, तो राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। तो बेटा ये था अपना 11वीं यूनिट का 21वां चैप्टर भारत में नियोजन, जिसमें हमने पूरी विस्तृत बातें की है, नियोजन क्या है, नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी स्थापना के लिए योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात हमने की, हमने नीति आयोग की बात की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए सभी पंचवर्षीय योजनाओं पर, मेन मेन पॉइंटों पर अपनों ने बात की। उसके बाद प्रादेशिक नियोजन पर बात की, भारत में योजना आयोग के पिछड़ेपन के 3 कारणों पर मरु विकास कार्यक्रम, ये इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमने छूने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से नोट्स बना के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेरे साथ आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में अगर अगले 22वां चैप्टर अपने करेंगे, जब 22वां चैप्टर साथ करेंगे तो मैं एक बार फिर इस पूरी यूनिट से अब तक जो जो प्रश्न आए हैं कोशिश करूंगा उनको फिर अपने एक बार दोबारा रिपीट करें। जय हिंद बेटा।